आज का सारा ब्लॉग इस बारे में। हेलो जी, काफ़ी दिनों बाद। तो अभी मैं आया हूँ अंसार गैलरी में। अंसार गैलरी का सीन ये है कि यहाँ पर यावर के साथ मैं और राहिल, ये दो लोग आए हैं। ये कहानी अंसार गैलरी के बारे में नहीं है, ये कहानी है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस व्लॉग। सही है, वहाँ से शुरू होता है और ये 4-6 किलोमीटर तक सिर्फ अंसार गैलरी चलती है। क्या सीन क्या है भाई? कुछ सामान लेते हैं, देखते हैं क्या ले सकते हैं क्या नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा इन सब व्लॉग का मतलब क्या है। हेलो दोस्त, मैं अगर आया और आइसक्रीम के पास नहीं आया तो मैं आया क्यों भाई? ये बताओ, ये देखो ये आइसक्रीम भाई, आ हाँ, सोच रहा हूँ इस बार ये खाया जाए। इग्लू जैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये इसका पता करना है कि कितने का है। आपको नहीं शूट करना है तो आप इसको डब्बे को लाएं। सही है, और ये बारकोड किधर गए बारकोड? यस, इसको पता बेटा, ये 9 रियाल के। सही है, कल ये मैं वहाँ पे देखा तो ये 8 रियाल के थे। इसको उठा के आप डब्बे में रख दें। सही है, ये बास्किन रॉबिन की सबसे महंगी आइसक्रीम होती है। ठीक है, गरीब इंसान कभी फ़र्क नहीं पड़ता। इसको लेके जाएं आप, और 26 का है भाई, 26 रियाल। 26 कितनी रियाल? 26, आई एम सो सॉरी, आई कैन अफोर्ड दिस। ये वाले वो 9.5 रियाल। ये 10 की भाई, ये 10 की एक एक किलो। ये ऊपर भी है भाई, मतलब अगर अभी तुम्हें तत्काल प्रभाव में खाना तो ये खा सकते हो, निकाल के खा लेंगे। ओरियो की भी है। यस, मैं तुम लोग क्यों आइसक्रीम को ले आता हूँ, इधर आओ। ये देखो भाई, आपको लगता है आपकी वाइफ को तकलीफ ना हो तो आप ये बस खरीदें, उबालें और खा लें। मतलब आपको काटने की जरूरत। हेलो यावर, ये अमेरिका, कलर भी उसका देख रहे हैं। इंडिया कौन है? ये अमेरिकन है भाई। इंडिया कौन है? वो न्यूजीलैंड का है, वो फ्रांस का है, इंडिया का नहीं भाई। यहाँ भी आके इंडिया का खाओगे का यार? 48 रियाल का ये है क्या? पता है क्या है? बेरी वेरी कुछ तो है, एक टोमेटो चेरी है भाई, छोटका टमाटरवा नहीं होता है, मैंने गाँव में फेंक दिया था। उसका रेट 38 है। ये देख भाई, 22 रियाल, सबसे महंगा, और हिंदुस्तान में इसकी कदर नहीं होती। व्हाट इज दिस? खजूर। ये सस्ते वाले, ये यही यही हमारे यावर साहब खाते हैं, बहुत अच्छी खजूर होती है। 9 रियाल ये ले, खजूर का बजट नहीं है आज। आप खजूर क्यों खाना चाहिए? सुन्नत है, लेकिन अभी गल्फ में भी अगर खजूर आपको महंगी मिल रही है तो फिर गल्फ क्यों है? तो सस्ती किधर मिलेगी, सवाल तो यही है ना। ये बंदा जो है मुझे प्रोवोक कर रहा है कि मैं चॉकलेट्स लूँ, क्योंकि डब्बे इतने खूबसूरत है। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई ये देने लायक नहीं, नहीं बस ये डब्बा मुझे दे दें, चॉकलेट खा लो। अरे यार, ये तो बड़ी अच्छी है, ये खाएगा तू, ये लेगा तू? क्या इट्स फॉर यू। सुन, ये कौन सा है? ये किंडर जो आया होता है, जो मैं अपने बच्चे उसे पूछा, बच्चे थे। मैंने कहा बहू क्या लोगे, तो कह ये लूँगा। तो मैंने कहा बस कहाँ, मैंने कहा ले लो जितना ले रहा है, तीन ही लो। मैं बस तीन ही, एक और ले लो, चार ले लिए। उनको लगा 5-10 का होगा ना, मैं भी फंस चुका हूँ। पहली बार बंदा है कह रहा डब्बा देख, यही वाला डब्बा उतार, वो वाला देखें क्या खूबसूरत लगता है। मैं तो ये लेके जा रहा हूँ वो काउंटर वाली लड़की को देने, प्लीज। कितने का? वापस रख दो भाई। ये पता है राहिल, ये हाथ में कभी खूबसूरत लगता ही नहीं है। देख अभी यहाँ कितना खूबसूरत लगेगा, अभी देख, ये देख खूबसूरत लुक आ गया ना, 25 में यही खूबसूरत लगेगा। ले लें इसको, गर्लफ्रेंड है। हेलो गर्लफ्रेंड है, तो फिर क्यों ले रहे हैं? रखना इसको, गरीब
क्या इतनी 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 घड़ियों में तू बता किस में अलार्म बज रहा है? अगर तूने बता दिया तो मैं तुझे घड़ी घड़ी गिफ्ट करूँगा। प्लीज अलार्म बजने से पहले सर आई विल गिव यू वन खत्म चैलेंज खत्म यू फेल दिस विल बी माय ड्रीम सेटअप। गेमिंग टेबल नहीं है बट ये एडिटिंग टेबल हो सकता है। ये लगाया हुआ ये चेयर चेक करो यार बहुत अच्छी भाई। लैपटॉप मुझे तो लैपटॉप लेना ही नहीं है भाई तुम्हें पता है मुझे क्या लेना है। ये यावर तू ये लेने आया था वो वाला बज रहा है ऊपर वाला ये वीवो ये उठा। हेलो देवी प्रसाद स्पीकिंग। अभी अंसार गली से हम लोग निकल के जाएंगे सफारी मॉल। प्रॉब्लम बस एक ही है धूप की और गर्मी की। अभी हम लोग ये जूस पी के हाइड्रेट होने की कोशिश कर रहे हैं। सामान हमने बहुत खरीदे हैं बिलिंग इसलिए नहीं कर रहे कि वापस इधर आना है सही है। अभी हम दिमाग लगाएंगे कुछ वहाँ जाने के बाद। काश ये रात में हम लोग निकलते तो कितना अच्छा रहता। रात में तो अंधेरा होता। यावर तूने ऐसा क्यों किया है तेरे पैर को क्या होगा? हेलो सर तो कोई हम लोग को कैमरे में देख रहा होगा तो मतलब मॉल के अंदर वो सोचेगा ये है कि ये साले तीनों ने मिल के 3 घंटे बकचोदी की है मॉल में और लिया कुछ नहीं रख के चला है वहाँ पे। नहीं एक गिली ये तो हम कह के कुछ ले ही लें। सारी चीज़ों से इंसान जंग जीत लेता है सिर्फ एक चीज़ से हार जाता है। किससे? हो गया जवाब मिल गया आपको। किस कदर है हमारे यावर भाई। और ये देखिए मैं इस वक्त आ गया हूँ ये अफ्रीका के जंगलों के करीब निकल के एक आबादी है दूर देखिए मुझे दिखाई दे रहा है कुछ आबादी है हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा लगता है खाने पीने का सामान मिल जाए और मैं अपने साथियों के साथ वहाँ से। शॉपिंग्स के बाद आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई ये सब का मतलब क्या है ये व्लॉग का मतलब क्या है व्हाट इज द पॉइंट। पॉइंट मैं बताता हूँ जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि सारी कहानी ही इस पे है। तो अगर मुझे देखकर कोई इंसान के अंदर क्रिएटिविटी जागती है कि भाई वो कुछ करे यूट्यूब पे आकर मैं नहीं कहता व्लॉग कर कॉमेडी बना स्केचेस बना जो तेरा दिल करे वो बना व्लॉग बना आर्ट्स दिखा अपने कम से कम एटलीस्ट ये एक प्लेटफॉर्म है जिसपे लोग शो कर सकें अपने टैलेंट को अपनी बात को। मेरे लिए ये एक डायरी है मैं जो बातें शेयर करता हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो मैं बताता हूँ। जिन लोगों को पता है कि आई यूज़ टू मेक स्केचेज ऑन यूट्यूब ऑन अदर चैनल उसके बाद हम किसी और दिन बात करेंगे अभी फ़िलहाल बात यह है कि वॉट इज़ द पॉइंट। तो भाई पॉइंट्स यही है कि दिस इज़ ऑल अबाउट माई डायरी दैट्स इट। इंट्रो में जो आपने बच्चे को देखा था उसने व्लॉगिंग चैनल इसीलिए शुरू किया फॉलो मतलब मुझे बहुत खुशी होती है इस तरह से लोग अपनी एंजाइटी लेवल को कम कर रहे हैं और सामने आ रहे हैं कैमरे के सामने एटलीस्ट आ रहे हैं तो ये काफ़ी खूबसूरती होती है। आपके अंदर भी अगर एंजाइटी है मैं तो कह रहा हूँ व्लॉगिंग शुरू करो व्लॉगिंग से एंजाइटी लेवल कम होता है लाखों लोगों के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो क्या पता व्यू लाखों में चला जाए। और जब आप व्लॉग शूट कर रहे हो लोग आपको जज करते हैं सही है आपको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है कैमरे में सही है बट आपको डरना नहीं है आपको लड़ना है ये हो गई बात। और एक और लास्ट और आखिरी बात बहुत सारे लोग पूछते हैं कि व्लॉग आजकल क्यों नहीं आ रहा है मतलब मेरी डायरी में आजकल पेजेस क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं सही है जवाब देता हूँ कभी भी परफेक्शन में मत घुसना सही है परफेक्शन में घुसोगे तो ये कंसिस्टेंसी आपकी चली जाएगी सही है ये है बात जिनको पता है उनको पता है। मैं इस पर एक अलग और स्पेशल वीडियो बनाऊंगा एक होती है फिलर वीडियो एक होती है स्पेशल वीडियो मतलब इस बारे में बात करेंगे अगले व्लॉग में मतलब कभी व्लॉग करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। थैंक यू मेरी आइसक्रीम पीछे।